पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ये जो अप्रोच थी ये कोरली साइंस पर बेस्ड अप्रोच थी यानी कि ये साइंस के मैकेनिज्म को यूज करते थे और कहते थे जिस चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं जिस चीज को हम साइंस का इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं वही चीज जो है वो हमारे लिए सही होगी या वही मेरे लिए ट्रू नॉलेज होगी ऐसा कहते थे पॉजिटिविस्टिक लोग

ये ऐसे कहते थे कि जरूरी नहीं है कि हर चीज साइंस ही प्रूव करे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन सेंस भी ओरिएंटेड होती है जरूरी नहीं उसके अंदर साइंटिफिक ही लगाने की जरूरत हो डेली मरवा के अंदर हम जो चीजें कर रहे हैं उसमें भी इनोवेशन है उसमें भी रिसर्च है ये आइडियोलॉजी के साथ में पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग आपके सामने आए थे ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्वालिटेटिवनेस को फॉलो करते थे ये सॉरी क्वांटिटेटिवनेस को फॉलो करते थे ये कहते थे जिस चीज को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं वही सही है जैसे कि ये बोलते थे कि तेरे छत्तीस नंबर आए हैं तो तू पास ये इसमें ही बिलीव करते थे जबकि ये ऐसे बोलते थे नहीं ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में भी बिलीव कर सकते थे जरूरी नहीं किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं अकेडमिक्स में कोई अच्छा है तो ही वो इंटेलिजेंट है ऐसा नहीं है हो सकता है कोई खेलकूद में अच्छा हो हो सकता है कि कोई आ, कि किसी का कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो डेली मर्रा के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी का बहुत अच्छा हो सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का बहुत अच्छा हो तो वो भी अच्छे हो सकते हैं तो ये क्वांटिटेटिव पे भी बात करते थे बट ये क्वालिटेटिवनेस को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे इसके बाद में ये जो सारी की सारी थ्योरीज आई आप लोगों की जैसे नेचुरलिस्टिक रियलिस्टिक है ना आप लोगों की और भी बहुत सारी प्रैगमेटिज्म रियलिज्म ऐसी बहुत सारी आप लोगों की थ्योरीज जनरेट हुई जिनसे भी आपके एग्जामिक क्वेश्चन बनते हैं ये वही टाइमलाइन चल रहा था ड्यूरिंग पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म इन सब थ्योरीज को टोटली totally अपोज करने वाला एक थ्योरी आया जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रियलिस्टिक जिस पर आज भी हम लोग बिलीव करते हैं और एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये एजेस ऑफ रिसर्च और एजेस ऑफ रिसर्च में पॉजिटिविस्ट लोगों का कंप्लीटली अपोज करने वाले लोग आए क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग इसको हम क्रिटिकल रियलिज्म भी बोलते हैं और ये बोलता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो साइंस ने बोल दिया वो सही है जो भी चीज साइंस बोलती है वो फॉल्सिफाइबल है यानी कि आप उसे गलत प्रूव कर सकते हो एररेबल वो होती है और इस चीज में बिलीव करते थे क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका कंप्लीटली अपोज किसने किया वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट नहीं थे वो थे क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग और इसी पर आज बिलीव करते हैं एक्चुअली में साइंस एक ऐसी चीज है जो सही या ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के काम आती है बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ट्रू वैल्यू सिर्फ साइंस से फाइंड आउट कर सकती है ऐसा ये लोग बोलते थे तो मैंने इनका एक स्टेटमेंट लिखा है ये कहते थे कि हम एक क्वालिटेटिव थ्योरी बना सकते हैं बिटवीन पॉजिलिटी ये कहते थे कि हर चीज में कॉज एंड इफेक्टनेस आता है कोई ना कोई कॉज होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट होता है हर चीज के हैपन होने का अकर होने का कोई ना कोई कारण होता है ऐसा क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग कहते थे और यही हमारी एक्चुअल रिसर्च की डेफिनेशन भी होती है ठीक है जी तो ये बोलते हैं कि जो एम्पेस्टिक लोग थे यानी कि जो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड चीजों पे बात करते थे जैसे ये क्वांटिटेटिव ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ पे बात करते थे ये ऐसे कहते थे कि जरूरी नहीं है कि जो आप लोगों का एम्पेरिकल रूल है या जो आपका एक्सपीरियंस है सिर्फ वही आपको सही बातें सुनाता हो ऐसा जरूरी नहीं है सबका एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव मैनर में आता है सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो ये चीज ये लोग बोलते थे क्या क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग ये कहते थे हर चीज का कोई ना कोई कॉज है तभी वो इफेक्ट में आ रहा है ये चीज क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग बोलते थे